हमने कढ़ाई में दूध लिया है और इसको काढ़ते रहेंगे देर तक। दूध जब तक गाढ़ा ना हो जाए तब तक हम इसे काढ़ेंगे। ये देखिए गाढ़ा हो गया है दूध थोड़ा थोड़ा, इस तरीके से ये गाढ़ा हो चुका है। और अब ये और ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। जब ये बिल्कुल थिक हो जाए, एकदम गाढ़ा हो जाए खोए की तरह, तब तक हम इसे पकाते हैं। और ये खोया हमारा इस तरीके से देखिए तैयार हो गया है। आज हम आपको गुजिया बनाना सिखाएंगे, जिसने करीब 1.5 किलो दूध मैंने लिया है और इसका इस तरीके से खोया बनाकर तैयार कर लिया है। ये कसा हुआ नारियल है, अब हम इसके अंदर ये कसा हुआ नारियल मिलाएंगे। ये किशमिश है, इसके अंदर किशमिश मिलाएंगे। ये मगज है, जिसे हम खरबूजे के बीज बोलते हैं, ये मिलाएंगे। ये खांड है, खांड मैं इसलिए मिला रही हूँ क्योंकि शुगर के मरीजों के लिए या किसी के लिए भी ये खांड जो होती है नुकसान नहीं करती है, और जबकि हम चीनी, बूरा चीनी भी मिला सकते हैं, पिसी हुई चीनी भी मिला सकते हैं इसके अंदर, तो मैं खांड मिला रही हूँ। आपकी जो इच्छा हो आप वो मिलाइए, स्वाद अनुसार मिलाते हैं इसको हम, जितना आपको स्वाद लगे उस हिसाब से मिलाइए। ये सब मिलाने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, खोए को और बूरा चीनी को, नारियल को अच्छी तरीके से ऐसे मिक्स कर देंगे, जिससे कि हम जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा और इसको गुजिया में भरने के अच्छे से भरा जा सके इस तरीके। ये थोड़ा सा आप बादाम भी डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काट कर। ये चिरौंजी है, इसको चिरौंजी को भी इसमें डाल दीजिए थोड़ी सी। मैंने करीब 50 ग्राम चिरौंजी ली है, तो आप अच्छे से इसको अच्छे से आप ऐसे मिक्स कर दीजिए। इस तरीके से अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये गुजिया बनाने के लिए हमने मैदा तैयार करके रखा हुआ है पहले से। इसमें थोड़ा सा, आपको पता ही है, ये थोड़ा सा आटा मैदा लेकर इसमें थोड़ा मोमिन डालकर, और ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, इस तरीके से गूंदते हैं। इसको गूंद के मैंने रख दिया था, तो देखिए इस तरीके से हो गया है। तो ये काफी सॉफ्ट है, इससे कि गुजिया आपकी जब बनेंगी तो काफी सॉफ्ट बनेंगी और अच्छी लगेंगी। मैदा हमने गूंद के रखा है, इसको हमने ऐसे देंगे छोटी छोटी लोई बना के, इस तरीके से पूड़ी की तरह इसको बेल लेंगे। इस तरीके से छोटी छोटी लोई लेके इसको ऐसे पूड़ी की तरह ऐसे ऐसे हम बेल लेंगे इसको। इस तरीके से हम इसको पूड़ी की तरह बेल कर रख लेंगे, इस तरीके से ले ली। फिर इसको पूड़ी की तरह बेलते हैं इस तरीके से। इसको इतना बड़ा बेलिए कि आपका जो गुजिया का साचा होता है ना, उसके ऊपर पूरी तरीके से ये आ जाए। ये इस तरीके से इसको बेल के थोड़ा बड़ा कर लीजिए। इस तरीके से बेलिए, जैसे अब ये हमारे पास ये गुजिया का साचा है, तो इस गुजिया के साचे पर ये पूरी तरीके से, ये इस तरीके से, ये देखिए, ये इस तरीके से आ जाए। ये पूरा आ गया गुजिया के साचे पर, ये पूरा सा आ गया, ठीक है। ये हमने जो मटेरियल जो तैयार किया हुआ है खोए का, इसको हम इस तरीके से इसमें अपने हिसाब से कि आप कितना उसके अंदर ये आ पाता है, उतना ही भरिएगा, जिस तरीके से ये हमारी गुजिया फूटे नहीं। तो इस तरीके से हमने भरा, और ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पानी लगाइए इसके ऊपर इस तरीके से किनारे किनारे, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और जब हम इसको तले तो ये फूटे नहीं। तो अब इसको ऐसे करके, ये ऐसे और इसको ऐसे करके ये बंद कर दीजिए, इसको ये साइडों से दबा दीजिए,
जब ये दब जाए तो ये किनारे के ये इस तरीके से जो एक्स्ट्रा जो हमारा ये मैदा है इसको ऐसे खींच के निकाल दीजिए वापस, और ये इसको फिर जब आप खोलेंगे ये इस तरीके से ये ऐसे निकल कर आएगी, और आपने इसको ये निकाल कर इस तरीके से ऐसे निकलेगी। कभी कभी होता है कि आपके पास गुजियों का साँचा नहीं है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये ऐसे लिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि इसको ऐसे थोड़ा सा पानी लगा के ताकि ये चिपक जाए, इस तरीके से किया, ये ऐसे इसको भरा, इतना भरिए कि ये फूटे ना। फिर हमने इसको ये ऐसे करके इस तरीके से इसको चिपका दिया, ये इस तरीके से चिपका दिया ऐसे। ये ऐसे जब ये चिपक जाती है, ये चिपक गई तो अच्छे तरीके से इसके बाद आप इसमें इस तरीके से ये डिजाइन रख सकते हैं। ये इस तरीके से मोड़ा, इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे, ये यहां से पकड़िए और ये ऐसे मोड़ते जाइए। इस तरीके से ऐसे मोड़ते जाइए, ये आपका ये इस तरीके से ये डिजाइन आ जाएगा। देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूं, ये इस तरीके से आपका ये पूरा डिजाइन आ जाएगा अगर आपके पास साँचा नहीं है। अगर आपके पास साँचा है तो आप साँचे से बना लीजिए इस तरीके से। एक डिजाइन मैं आपको बता चुकी हूँ, अब ये दूसरा डिजाइन है जो ये मैं आपको बता रही हूँ। उसी तरीके से साइड से गीला किया ताकि चिपके, इसको छूटने में कोई वो ना हो, अगर छूट जाएगी ये तो फिर जब हम तलेंगे तो ये फट जाएगी, घी खराब हो जाएगा। इस तरीके से कर लिया, ये ऐसे करके भरा, जितना आपको जरूरत है उतना ही भरिए कि बस ये फूटे ना। इसको हमने ये इस तरीके से ये ऐसे बंद कर दिया, ये इस तरीके से हमने बंद कर दिया, ये इस तरीके से हमने दबा दिया इसको, ये ऐसे आ जाएगी मुझे, ये इस तरीके। और हमने अगर डिजाइन बनाना है इसका एक और, तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, ये ऐसे 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 ऐसे, ये इस तरीके का एक और आपको डिजाइन मिल जाता है। बुझिए ये कितना सुंदर डिजाइन लगा है, इस तरीके का डिजाइन आपको एक और मिल जाएगा। ये तीसरा डिजाइन मैं आपको बताऊंगी, इस तरीके से लिया, सेम वैसे ही साइड पे पानी लगाया, इसमें मटेरियल डाला, इसको इस तरीके से बंद किया, ये इस तरीके से बंद कर दिया, यहां रखा, ये इस तरीके से ये, तो सेम आपका डिजाइन वही आ जाएगा जो आपकी मशीन से आता है अगर आपके पास साँचा नहीं है, तो सेम आपका डिजाइन वैसे ही आ जाएगा जैसे कि एक साँचे में आता है। ये देखिए ये हमने हाथ से बनाई है फोक से, और ये हमने साँचे से बनाई है, तो देखिए सेम डिजाइन है ये साँचे का, ये मैंने फोक से बनाया डिजाइन और ये मैंने साँचे से बनाया है, तो डिजाइन आपका सेम आ जाएगा।
ये इस तरीके से, अगर आपके पास साचा नहीं है तो। कढ़ाई में घी डाल के हमने अब इसको गैस चलाकर इसको ऑन कर लिया है। अब हम इसमें एक एक करके गुजिया डालेंगे, हल्की आंच पे हम इसको सेकेंगे। इस तरीके से हिलाते रहिए बराबर इसको धीरे धीरे, ताकि गुजिया फटे नहीं। अब हम इसको एक एक करके निकाल लेंगे। इनको अब हम एक एक करके चाशनी में डालेंगे। ये एक एक करके इसको डाल दें और निकाल दें। ये सिल्वर लीव्स है, जिसे चांदी का वर्क बोलते हैं। आप इसके ऊपर चाशनी वाली जितनी भी गुजिया हमने अभी करी है, चाशनी में डुबोई है, उसके ऊपर आप इसको लगा दीजिए। इस तरीके से लगा दीजिए। ये आपकी बिना चाशनी की गुजिया हैं, चाशनी वाली गुजिया हैं, जो कि अक्सर बाजारों में हलवाई वगैरह भी बनाते हैं और चाहे तो हम लोग भी बना सकते हैं घर में, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं ये, और देखने में देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं ये। ये देखिए। और अंत में मैं यही कहूंगी, आपको होली की बहुत बहुत बधाई। हंसते रहिए और हंसाते रहिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।